सबसे पहले लिखो बेटा ए बराबर कितना हो जाएगा, 10 होगा कि नहीं होगा। अब ए क्या होता है प्रथम पद, ए क्या होता है बेटा आपका प्रथम पद, 10। जो भी आपको समांतर श्रेणी मिलेगी उसका प्रथम पद क्या कहलाएगा बेटा, ए कहलाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा डी निकालेंगे, निकाल दो डी बराबर कितना हो जाएगा, ए है ए वन ए वन ए टू ए थ्री है ना, तो ए टू माइनस ए वन सात माइनस दस माइनस माइनस। आप देखो बेटा दस काय का है माइनस का है, बड़ी संख्या है, दस में से क्या करना, सात घटा क्या हो जाए आपका 10 रुपए कर जाता, 7 रुपए दे दिए। अब देखो आप मिल गया बेटा ए मिल गया बी मिल गया, अब अंतिम पद को हम एल से दर्शाते हैं बेटा, एल से भी दर्शा देते हैं, तो एल बराबर क्या होगा बेटा माइनस का 5। अब रख दे सूत्र और क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, जैसे एन आएगा फिर हम अंतिम से ग्यारह पद निकाल लेंगे। सूत्र देख लो बेटा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को, अभी तो सूत्र लिखा है। अब ए तो सबको पता है पहला पद होता है, डी पता है कि दूसरे से पहले घटा देना है, और अंतिम पद तो क्या बोलते हैं बेटा एल बोलते हैं, तो एम ने क्या कर दिया। अब एक मान कितना माइनस का, एक मान कितना बेटा दस प्लस, ये तो पता ही नहीं है, डी मान कितना बेटा माइनस का, कोई दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे यार, इसको कहाँ जाएंगे, इधर ले लेंगे बेटा माइनस 62 माइनस 10। भाई कोई भी संख्या बराबर की इस पार से उस पार जाए उस पार से इस पार आए चिन्ह क्या होता है, ठीक है। चलो माइनस 62 माइनस 10 बराबर कितना बचे इधर, यानी माइनस 1 गुणे माइनस का 3। अब 62 प्लस कितना हुआ माइनस का 3। अब क्या निकालोगे, यानी माइनस 1 कैसे बेटा माइनस 1 एक इसमें गुणे में कहां जाएगा माइनस माइनस, तो यानी माइनस 1 कितना बचा बेटा 3 गुना 6 एक बचा 3 6 12 तो यानी बराबर ये तो यानी कुल पद कितने हैं 25। अब 25 में पश्चिम में किधर जाना है 11वें पद को, मतलब 11 पद निकालना है, तो 25 करोगे देखो इधर 25 में आपने क्या करना है 11 पद निकालना है ना, कितना घटाओगे 10 की 11 10 घटाना है, अगर 11 घटा दोगे ना कौन सा पद निकल आएगा 12वां निकल आएगा। भाई 11वां पद चाहिए, नहीं बात समझ रहे हो, सुनो 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 है ना। अब देखो थोड़ा समझने बात को, अब आप सोचोगे कि अंतिम पद तो 25 है, 25 11 में निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ 25 से 11 घटा दो ऐसे ना, तो 5 में गया कितना बचा 4 14 हमारे पास भी हो जाएगा, आप देखना ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ कौन सा पद चाहिए, 11 पद चाहिए ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा सातवा आठवा नौवा दसवा ग्यारह। क्या निकालना पड़ेगा, ए 15 निकालना पड़ेगा, समझे ना, अगर 11वां पद बोले ना तो एक कम करके घटा देना है, वो 11 मतलब कि 10 को छोड़ना है 11 को देना है। अगर यही बोलता 15वां पद निकालो तो क्या करते हम लोग 14 घटा देते, ठीक है बात समझ लो ना, ए नहीं क्या 15 घटा दो, कि बोला कि अंतिम पद से 11वां पद तुम 11 घटा देते, नहीं वो
और जितना बोले ना वे वाला पद एक कम करके घटा देना। क्या बोला तुमसे? ग्यारह बोला है हमने, दस पच्चीस क्या किया, दस घटा दिया, दस के बाद ना ग्यारह आता है। तो अब ग्यारह पद मतलब ए ग्यारह, मतलब क्या बेटा आपका ए ग्यारह बराबर। यहाँ आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि अंतिम पद से ग्यारहवां पद ए पंद्रह होगा, है ना। अंतिम पद से ग्यारह पद क्या होगा बेटा आपका, ए पंद्रह होगा। अंतिम पद से ग्यारहवां पद ए पंद्रह, अंतिम पद से ग्यारहवां पद ए पंद्रह होगा, है ना। अब बता देते हो कैसे होगा। अब क्या निकाल बेटा, हम निकालेंगे ए पंद्रह बराबर ए प्लस कितने डी, चौदह डी। ए बराबर कितना दिया था, दस प्लस चौदह माइनस का दस, चौदह त्रिक प्लस गुणे माइनस माइनस कितना बचा, माइनस का ठीक बेटा। अब चलो एक बार हम समझने के लिए प्रयास करते हैं। उदाहरण आठ कहता कि एपी दस सात चार डॉट डॉट माइनस बासठ अंतिम पद से ग्यारहवां पद ज्ञात करना है। अभी तक हम सूच जा रहे थे जो बोलते था, इस बार हमें सवाल तो घुमा दिया है, अंतिम से बोला है ग्यारहवां पद। नहीं कहते कि सौ से दस पीछे आओ या चाहो सौ निन्यानवे अंठानवे ऐसे ना, तो अंतिम से कौन सा पद निकालना बेटा, ग्यारहवां पद निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या पता करना है इस एपी में कितने पद हैं, तब ना अंतिम से आएंगे। जब यही नहीं पता कि अंत क्या है तो क्या कर लोगे, कुछ ना कर पाओगे। सबसे पहले क्या पता करेंगे, अंत क्या है, यानी एन निकाल लो। क्या कर लो बेटा, एन निकाल लो। तो दिया क्या हमें प्रथम पद ए, ए बराबर कितना दस। अब डी निकालोगे ए टू माइनस ए टू मतलब क्या, दूसरा पद, एवन मतलब पहला पद, ए टू माइनस एवन सात माइनस दस। दस देखो माइनस का है सात प्लस का है, माइनस संख्या बड़ी है तो दस में से सात कितना माइनस का। अब अंतिम पद को यल बोलते हैं तो यल बराबर माइनस बासठ, तो यल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक मान, एक मान कितना बेटा माइनस बासठ, एक मान कितना दस, एन पता ही नहीं है, डी का मान कितना है मतलब यहाँ जो मान थे उनको मैंने क्या किया यहाँ पे रख दिया बस। अब दस को लाओ इधर, दस को लाओ, अभी काय में था प्लस में, इधर गया तो माइनस में, तो बासठ दस बहत्तर। अब निकालो ये ना माइनस वन, ये ना माइनस वन रख कितना हो गया, चला गया बटे में, अब बहत्तर बटे माइनस माइनस कटा, तीन का भाग कर दिए, तीन दुना छह सौ बार गया, तीन चौको चौबीस पच्चीस आ गया। अब अंतिम पद से ग्यारह पद निकाल दिया, ग्यारह पद ये पंद्रह होगा आपका, ये पंद्रह निकाल दिया, कोई दिक्कत है अब है किसी को। यल मतलब अंतिम पद, यल मतलब क्या होता आपका अंतिम पद, जैसे वहां पे यल निकालते थे ना, हाँ वही चीज, हाँ यल भी कर सकते हो और यल भी कर सकते हो, ठीक है ना।